नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मंगलवार को शेयर बाजार में हर तरफ रौनक ही नजर आ रही है। बाजार में लॉकडाउन खुलने को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। सुबह बाजार खुलते ही कारोबार में तेजी नजर आने लगी है। बीएसई के 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 336 अंक की बढ़त के साथ 33,640 पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी भी 101 अंक की तेजी के साथ 10,370 पर कारोबार कर रहा है। लॉकडाउन में रात के बीच बहुत जल्द देश के सभी एयरपोर्ट्स के लिए फ्लाइटें शुरू होने वाली है। ऐसे में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए नए नियम लागू हो गए हैं। देश के दूसरे सबसे बड़े पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी ब्याज दरों में कटौती का ऐलान किया है। पंजाब नेशनल बैंक ने ग्राहकों को बेहद कम ब्याज दरों में होम लोन और ऑटो लोन देगा। कोरोना वायरस महामारी की वजह से आम लोगों के अलावा कार कंपनियां भी बुरी तरह से प्रभावित हो गई हैं। पूरे देश में लॉकडाउन की वजह से कार बिक्री की दर धरातल पर आ गई है। एचडीएफसी ने मोरेटोरियम अवधि 3 महीने बढ़ा दी है। अब ग्राहक अगस्त तक बैंक लोन पर ईएमआई में छूट ले सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एमएसटीवी के साथ। नमस्कार।